ब्राह्मण वोट के लिए बसपा का खेल, बिकरू कांड की उठा रहे हैं बात। सतीश मिश्रा ब्राह्मण वोट को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं शूटआउट था। सतीश मिश्रा ने एक बड़े ग्रुप को साक्षात्कार में ये बात कही। यूपी सरकार ब्राह्मण को टारगेट कर रही है। सतीश मिश्रा हर जगह इस बात को कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न का मामला उठाते रहेंगे। सतीश मिश्रा ने कहा, मायावती को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी बीच हमारे साथ मनोज यादव जो कि सपा के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी धन्यवाद जी। मनोज यादव जी, सतीश चंद मिश्रा की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, ब्राह्मण वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए लगातार कह रहे हैं कि बिकरू कांड का जो केस है उसको हम दोबारा रीओपन करेंगे, उसको देखेंगे उसमें क्या चीज है। और उन्होंने एक जगह साक्षात्कार में ये भी कहा है कि वो एनकाउंटर नहीं था, उसको एनकाउंटर का नाम ना देकर उसको कहा गया है कि उसके साथ शूट आउट हुआ है, विकास दुबे के साथ शूट आउट हुआ है। तो क्या ये जो 2022 में ब्राह्मण वोट है, क्या इससे ब्राह्मण वोट उनके पाले में आ जाएंगे? देखिए मनीष जी, एक बात तो स्पष्ट है कि जब उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी कोने में कोई इनकाउंटर होता है तो उसकी कई परत इंक्वायरीज होती है और इंक्वायरी होके ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये रियल था या फेक था। और ऐसे हजारों उदाहरण पड़े होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इनकाउंटर हुआ होगा उत्तर प्रदेश में जिसकी जांच ना हुई। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने एक सूट को, जिसको आप जिसको सतीश मिश्रा जी ने भी कहा और हर एक आम आदमी कह रहा है, वो रियल में आप बताइए, इतनी गाड़ियों के बीच में अगर किसी को गाड़ी पलटने से और बेड़ियों में जकड़ा हुआ व्यक्ति भाग जाए फलार और AK-47 की बंदूकों के साथ, तो निश्चित तौर पर उसको, और फिर उसने तो खुद कहा था कि मैं सरेंडर करा, और जो व्यक्ति सरेंडर करेगा वो भागेगा क्यों? सिंपल सी बात, पुलिस थाने में तो था नहीं, उसको किसी ने देखा तो था नहीं, उसने खुद कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो ये इस सरकार की गैर संवैधानिक प्रक्रिया थी जिसके कारण न्याय प्रक्रिया से गुजरने वाली स्थिति खत्म हो गई। और सतीश मिश्रा जी के लिए और बीएसपी के लिए सिर्फ एक ही बात है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस बात की आवाज उठाई कि जो बिकरू कांड है उस पर सही जांच होनी चाहिए, अपराधी को भी अपराध की सजा अपराध न्यायपालिका के हिसाब से मिलनी चाहिए, किसी मुख्यमंत्री की सोच के हिसाब से नहीं। चलिए मान लेता हूँ विकास दुबे अपराधी था, तो क्या अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे भी अपराधी है क्या? क्या विकास दुबे का बेटा भी अपराधी है क्या, जिसको जिसकी फोटोज तस्वीरें देख के मन विचलित हो जाता है? कितने अपराधी उत्तर प्रदेश में है, क्या उनके परिवार के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता है क्या? ये बात बीजेपी के लोगों को, सत्ता में बैठे हिटलर साहों को समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझेंगे तो ब्राह्मण क्या हर वर्ग का व्यक्ति इनसे नाराज है, कौन खुश है वो अलग बात है कि ये डबल इंजन की तानाशाह सरकार है, तो कुछ दबे हैं और कुछ दबाए गए हैं जो अपनी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। अच्छा सतीश चंद मिश्रा जो मायावती है, सुप्रीमो मायावती उनकी, और इधर अखिलेश यादव की बात की जाए तो दोनों लोग ही कहते हैं कि नहीं, दोनों के शासन में ये रहा है कि नहीं अपराध नहीं होना चाहिए, चाहे शासन किसी का भी रहे, अगर अपराधी है तो उसे उचित दंड मिलना चाहिए। बिकरू कांड में भी यही हुआ कि उस कई पुलिस वालों को मार दिया गया, अगर ऐसे अपराधी मार दिया जाता है तो मनोज जी उसमें दिक्कत क्या है? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा अपराधी है और उसको जेल में बैठकर हम खाना खिला रहे हैं तो उसमें फिर क्या रह जाएगा? ये एक एनआरकी मानसिकता का उपज हुई है उत्तर प्रदेश और देश में, और ये मानसिकता पहले नहीं थी। अगर मैं आपको ये बात बताऊं, जब चंबल के बीहड़ के डकैतों का राज उत्तर प्रदेश पे था, या उत्तर प्रदेश के कुछ बेल्ट में जो मिर्जापुर सोनभद्र उस एरिया में बांदा साइड में जब नक्सल बेल्ट था, तो आपको याद है पता नहीं कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया, कितने डकैतों ने सरेंडर किया, और वो आज अपना एक जीवन जी रहे हैं, पश्चाताप उन्होंने किया और जेल गए, सजा भुगती, और उसके बाद वो एक आम ह्यूमन नेचर में फिर आ गए। तो उस दौर में की सरकारों से ये नहीं कि हाँ मुठभेड़ अगर रियल है, इसमें दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि हमारे जवान पे, हमारे पुलिसकर्मी पे अगर कोई गोली चला रहा है पहले तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए, लेकिन फेक एनकाउंटर में नहीं। एक एनकाउंटर का समर्थन हम इसलिए नहीं करते हैं, कोई न्याय प्रक्रिया से गुजरना चाहता है, हो सकता है उस व्यक्ति को एक गोली मारने से आपको लगता है सजा मिल गई,
मैं तो कहता हूँ कि वो जिसका साम्राज्य रहा हो वो कुड़ कुड़ के जेल की सलाखों के पीछे जब वो अपनी जिंदगी काटेगा उससे बड़ी सजा मुझे नहीं लगता कोई। और या जब उसके सामने फांसी हो कि उसको मालूम हो जाए 2 महीने पहले कि मुझे 2 महीने बाद फांसी मिलने जा रही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो किस तरह जिएगा वो? 1000 बार मरेगा। ये एक नया नैरेटिव सेट किया गया है लोगों के दिमाग में कि नहीं अपराधी तो उसको तलाक से गोली मार देना चाहिए। तो मुकदमों के आधार पे ये तो आप अपराधी बनाते हो। तो अपराधियों बीजेपी के कम से कम 10 नहीं मेरे ख्याल से कई दर्जन ऐसे विधायक है जिन पे जघन्य अपराध है। तो क्या मैं कहूँ उनको विधानसभा से निकाल के गोली मार दी जाए क्या? क्या ये मेरी बात जायज होगी क्या? अरे वो न्याय प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं। देखिए अगर वो बिल्कुल दोषी पाएंगे तो फांसी की सजा होगी, नहीं आजीवन कारावास होगा। ये एक आपको लोकतांत्रिक देश में व्यवस्था है। हम सीरिया नहीं है, हम वो देश नहीं है, एनआरकी देश नहीं है। हम उस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं जहाँ पे गोली हो। तो तालिबान में और आप में अंतर क्या रह गया? क्या अंतर रह गया अगर आप न्याय ऑन स्पॉट करना चाहते हैं? ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया है। इससे हमारे देश की मानसिकता में एक नौजवानों में लोगों में, आपने मुझसे सवाल पूछ लिया, सोचिए कितना सदा हुआ आपका दिमाग होगा जब आप पत्रकारिता करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया गया, मैं अपराधी उसको तत्काल गोली मार दो। ये हमारे संविधान की किताबों में लिखा है, आईपीसी की धारा में लिखा है। मनीष जी मेरी लाइन अंतिम सुन लीजिएगा कि यदि कोई रियल है एनकाउंटर या रियल अपराधी गोली चलाता है हमारे जवान पे किसी पे भी, उसको तत्काल मुठभेड़ में मार देना चाहिए। ये अच्छा क्या नाम है, आपने देखा कि किस, देखिए अब 2022 का चुनाव नजदीक है, सपा भी है, सपा भी चाह रही है कि अब किसी तरह भाई गद्दी पानी है, और बसपा जो जमीन खो चुकी है वो भी उसको भी चाहिए ना किसी तरह उसको जमीन पानी है। लेकिन क्या इस मुद्दे को उठाना, इस इनकाउंटर को उठाना, बिकरू कान को उठाना, ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण वोट को पाने के लिए, क्या वो सही है? मनोज जी ये जानना चाहते हैं हम, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो अगर आपकी सरकार आती है तो आप जांच कराएंगे। सतीश मिश्रा कह रहे हैं हम आएगी हम जांच कराएंगे, बिल्कुल कराइए, आपको लगता है जांच कराना चाहिए बिल्कुल कराना चाहिए, आप कराइए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस वक्त आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की एक ही आवाज थी कि ऐसे हत्यारे को मार देना चाहिए, क्योंकि हमारे इतने जवानों को उसने गोली से भून दिया, ऐसे हत्यारे को मार देना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश की आवाज थी फिलहाल। लेकिन अब यहाँ पर ये चीजें होती है कि अगर सरकार आपकी आती है तो आप जांच कराइए, बिल्कुल कराना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे हत्यारों को सपोर्ट कर रहे हैं तो दिक्कत है। जिस तरह से सतीश चंद मिश्रा जा जाकर दूसरे जगह जगह जाकर इस तरह की चीजों का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए जीवन जीने का हक सबको है, जीवन लेने का हक किसी को नहीं है। जी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसको चाहे आप संवैधानिक रूप से समझ लीजिए, मानवता के दृष्टिकोण से समझ लीजिए, नैतिकता के आधार पर समझ लीजिए। जीवन लेने का हक किसी को नहीं है, जीवन देने का हक सबको है। वो फिर न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, आर्मी हो, फोर्स हो, कुछ भी, हर कोई एक दूसरे के साथ न्यायप्रिय और न्याय तकनीक के हिसाब से ही बात करना चाहता है। समाजवादी पार्टी किसी अपराधी का समर्थन नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। लेकिन हमारी लोकतंत्र व्यवस्था का जो विश्वास है, क्या अपराधी जो सरेंडर करने जाता है, योगी सरकार भी तो चलता है, आप मीडिया कर्मी क्या चलाते हैं? देखिए अपराधी गया सरेंडर करने चला गया, तख्ती टांग के चला गया थाने में, हाथ जोड़ रहा था पुलिस के सामने। तो जब वो अपराधी, जिस अपराधी को पुलिस ढूंढ रही थी उस पर गंभीर अपराध रहे होंगे तभी तो पुलिस ढूंढ रही होगी, लेकिन अगर वो थाने में आके सरेंडर कर रहा है तो फिर क्यों उसको गोली नहीं मार दे रहे हो? उसको भी गोली मार दो, आप वो सरेंडर करने आया उसको गोली मार दो। आप उस विश्वास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अपराध न तो कल खत्म हुआ था, न आज खत्म हुआ, न कल खत्म होगा। सिर्फ अपराध के पैमाने को कम किया जाता है, परिषद को कम किया जा सकता है या उसको वो ज्यादा हो सकता है, बस। अपराध न कभी राम राज्य में भी अपराध था, कृष्ण के शासन काल में भी अपराध था, और जब भी जो युग रहा होगा तब अपराध जरूर रहा होगा। तब तो युद्ध ही लड़े जाते थे लोगों की मौतों पे, अब तो आज का तो लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरी हो गई चुनाव के माध्यम से। तो इस बात के लिए समाजवादी पार्टी विरोध करती है कि लोगों का संविधान के प्रति विश्वास नहीं खोना चाहिए। कल कोई अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है बुरे व्यक्ति, ऐसा ना होता तो क्या वाल्मीकि जी, और वाल्मीकि जी क्या थे, उनका जीवन क्या था, लेकिन वो बाद में क्या बन गए, इस बात को भी समझना पड़ेगा।
तो ये बात कहना कि किसी अपराधी का समर्थन समाजवादी पार्टी या कोई अन्य राजनीतिक दल करता है, ये बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी ना अपराधी का समर्थन करती है और ना अपराध का, लेकिन जो जिसका अधिकार है उसके अधिकार के तहत और जो संवैधानिक प्रक्रिया उसके तहत उसको न्याय और उसको सजा मिलनी चाहिए। न्याय प्रक्रिया किसी की हिटलरशाही नहीं चलनी चाहिए, वो चाहे मेरी सरकार हो या किसी और की सरकार। इस बात को नोट कर लिया जा रहा है फिर मनोज जी। जी बिल्कुल, चाहे आपकी सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो। धन्यवाद मनोज यादव जी, हमारे साथ जुड़ा आप, तो जुड़े और अपना बहुमूल हमें समय दिया आप। तो हमारे साथ मनोज यादव सपा के नेता जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ वो इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, उसको भी जीने का हक था, उस पर जाँच की जानी चाहिए, उसको न्यायपालिका द्वारा अगर सजा दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। वहीं सतीश मिश्रा का कहीं ना कहीं सपा इस बात को लेकर सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं दोनों के जो विचार हैं वो मेल खाते हुए दिख रहे हैं बिकरू कांड को लेकर। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिस तरह से सतीश मिश्रा लगातार हर मंच से बिकरू कांड की बात उठा रहे हैं और ब्राह्मण वोट को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना कारगर सिद्ध होगा, ये तो आने वाला 2022 ही तय करेगा।